हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल दैट इज रियल हीरोज। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि एट टेपिंग का क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या उसकी कितनी ड्यूरेशन होती है, कैसे कैसे वो यूज होते हैं, कितने टाइप्स की टेप्स होती हैं और उनको कौन कौन लोग यूज कर सकते हैं। तो ये काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें। कोई भी इशू, कोई भी क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन लोगों का यही रहता है कि सर, हेयर टेपिंग और हेयर फिक्सिंग, आपका बॉन्डिंग में क्या डिफरेंस है? तो मैं आपको बता देता हूँ, इन दोनों प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं है। सेम प्रोसेस होता है, आपका शेव अफेक्टेड एरिया को हम शेव ऑफ करेंगे, आपके नीचे वाले स्कैल्प को, उसे पैच को फिक्स करेंगे, साइड के बालों में से मैच करेंगे। बट एक डिफरेंस है उसमें, हेयर फिक्सिंग में आपके स्कैल्प पे और उसके पैच पे दोनों पे ग्लू लगाया जाता है, बट हेयर टेपिंग में ग्लू का यूज नहीं होता है। नॉर्मली जो टेप्स होती हैं, टेप्स के अकॉर्डिंगली वो पैच आपके स्कैल्प पे फिक्स होगा। तो हेयर फिक्सिंग और हेयर टेपिंग में यही डिफरेंस है कि उसमें ग्लू यूज होता है फिक्सिंग में, और टेपिंग में ग्लू नहीं यूज होता है। सेकेंड थिंग, उसका ड्यूरेशन क्या रहता है। अगर हेयर टेपिंग की बात करें, हेयर टेपिंग का ड्यूरेशन मैं आपको बताऊँ, 10 to 15 days, 20 days तक भी चल सकता है हेयर टेपिंग का, अगर आप अच्छे से मेंटेन करें, आप घर पर उसे अच्छे से रखरखाव करें, उसका ख्याल रखें, केयर करें, तो उसका 20 days भी ड्यूरेशन बढ़ जाता है। अलग अलग टेप्स के अलग अलग ड्यूरेशन होते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो ये 3-4 तरीके की टेप्स होती हैं, इनके अलग अलग ही ड्यूरेशन होती हैं। आपको कौन सी टेप यूज करनी है, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। अलग अलग लोग होते हैं, जैसे क्लाइंट होते हैं जो लोकल के नहीं होते हैं, जो आ नहीं पाते, जो आउट स्टेशन होते हैं, वो टेपिंग में यूज कर सकते हैं। दूसरे वो लोग जो ज्यादा ट्रैवल करते हैं, तो ये टेप में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग में आपको भी पता है कभी कभी रिप्लेसमेंट सेंटर पर आना नहीं होता है। तो फिक्सिंग में एक टाइम ड्यूरेशन होता है, उस टाइम पे आपको आना ही आना है। तो ये टेप्स आप घर पे भी यूज कर सकते हैं, आप जब अगर ट्रैवल कर रहे हैं तभी आप ये सारी चीज रख सकते हैं। अलग अलग टेप्स की अलग अलग ड्यूरेशन होती है, जो आपको यूज करनी है वो आप यूज कर सकते हैं। तो सर, इस मैं आपको बताता हूँ, अलग अलग टेप्स की अलग अलग ड्यूरेशन होती है। तो वो कौन कौन सी टेप्स हैं जो आपके स्कैल्प पे यूज की जाती है और फिर उनकी क्या क्या ड्यूरेशन है, वो सारी चीज मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये येलो टेप होती है। येलो टेप का ड्यूरेशन, येलो टेप, इसको कॉटन टेप्स भी कहते हैं, व्हाइट टेप भी कहते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से होता है, ये व्हाइट टेप है, कॉटन टेप है, और ये डबल साइडेड टेप होती है। इसको आप अपने स्कैल्प पे इजीली घर पे भी यूज कर सकते हैं। आप ये टेप अमेजोन से परचेज करिए, रिप्लेसमेंट सेंटर से परचेज करिए, हमारे पास से परचेज करिए, दैट ऑल ऑन यू। आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये टेप जो होती है कॉटन टेप, इसका ड्यूरेशन 3 to 5 days होता है। 3 to 5 days का मतलब आप घर पे भी इसे चेंज कर सकते हैं, घर पे भी आसानी से इसे रिमूव कर सकते हैं, इसे दोबारा से उस पैच पे अप्लाई कर सकते हैं और अपने स्कैल्प पे लगा के इजीली उसे यूज कर सकते हैं पैच को। तो इसका ड्यूरेशन 3 to 5 days होता है। सेकेंड चीज, ये रेड टेप होती है। रेड टेप ये ट्रांसपेरेंट टेप होती है सर, इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से होती है, ट्रांसपेरेंट टेप है, ये रेड स्ट्रिप इसमें से निकल जाएगी और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टेप होता है। कई लोग कहते हैं कि आगे से सर टेप विजिबल हो रहा है मेरा, तो वो इस टेप में वो प्रॉब्लम नहीं आती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टेप है, आगे से ना दिखता है ना पता चलता है। दूसरा, इसका जो ड्यूरेशन होता है व्हाइट टेप के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। व्हाइट टेप का जो 3 to 5 days तक का होता है, ये 5 to 10 days तक भी चल जाती है। तो ये ट्रांसपेरेंट टेप होती है। सेकेंड, थर्ड, ये ब्लू स्ट्रिप होती है सर, ये ब्लू स्ट्रिप ग्लू टेप होती है। ये ग्लू टेप का फायदा क्या है, आप इसे आराम से छोटी छोटी स्ट्रिप्स करके अपने पैच पे रख सकते हैं। छोटा सा है, कितना ही स्ट्रिप काटनी है, कट करके आप अपने पैच पे आगे लगाइए, पीछे लगाइए, साइड में 2 strips लगा दीजिए और आराम से इसे यूज कर सकते हैं। घर पे भी काट के यूज कर सकते हैं। ये जितनी भी सारी टेप्स हैं, ये सारी चीज घर पे भी यूज हो जाती है। ब्लू, ये जो ब्लू स्ट्रिप होती है, इस ग्लू टेप का जो होल्ड होता है, आपका 10 to 15 days भी चल जाता है। 10 to 15 days आप अगर अच्छे से यूज करें उसे, आप ज्यादा रफली ना कॉम्बिंग वगैरह करें, डेली वॉश भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शैम्पू कंडीशनर आपको हफ्ते में 2 बार करना होता है इसमें, जिससे उसका ड्यूरेशन एक लंबा हो जाए, 10 to 15 days भी चल जाती है। और दूसरा, चौथी टेप, ये नो शाइन टेप कहलाती है। ये ग्लू टेप जैसे ही होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होती है, लेकिन ये स्ट्रिप्स कट के आपको नॉर्मली एक सी टाइप स्ट्रिप ही मिलेगी। आप इजिली इसमें कोई कट करने की जरूरत नहीं है, ना काटने की जरूरत है, ना तो उसे शेप करने की जरूरत है। आप नॉर्मली ऐसी ही एक टेप अपने पैच पे लगा लीजिए, इसका भी होल्ड 10 to 15 days, 18 days तक भी चल जाता है, अगर आप अच्छे से मेंटेन करें घर पे। तो
इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं आपको यही कहूंगा, हेयर टेकिंग प्रोसेस बहुत एक इजी प्रोसेस है, आप इसे घर पे भी यूज कर सकते हैं, आप हेयर रिप्लेसमेंट सेंटर्स पे भी आके इसे करवा सकते हैं, सर्विसिंग वगैरह आप घर पे भी कर सकते हैं, हमारे यहाँ रिप्लेसमेंट सेंटर्स या कहीं भी रिप्लेसमेंट सेंटर पे जाके वहाँ भी करा सकते हैं, दोनों चीज में यूजफुल है हेयर टेपिंग। बट एक चीज है, आपको मेंटेन इसे खुद करना ही पड़ेगा, बाकी गाइड करने के लिए हम आपके साथ हमेशा तत्पर रहेंगे, आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और बाकी सर, हमारे चैनल पे नए नए वीडियोस, नए नए कंटेंट्स और वीकली बेसिस पे आते ही रहेंगे। कोई भी क्वेरी, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स पे जाके लिख सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे आके डीएम कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, हम इंडिविजुअली भी उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। नॉर्मली हमारे Q&A सेशन भी चलते रहेंगे, Q&A में आप कोई भी क्वेश्चन आंसर करेंगे, कोई भी आपका क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेरी होगी, हम आपसे तभी कनेक्ट कर पाएंगे जब आप हमें क्वेश्चन पूछेंगे, हम आपको तभी उसके एक रीजनेबल, एक अच्छा आंसर दे पाएंगे जो आपके लिए भी इंफॉर्मेटिव हो, आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए उन लोगों के पास को चाहिए जिन्हें इन चीज़ की ज़रूरत हो, जिन्हें इस नॉलेज की ज़रूरत हो, हेयर टेपिंग की ज़रूरत हो। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे से लैक होती हो, आप मुझे ज़रूर बताइए, आपके सपोर्ट से हम अपना चैनल बनाना चाहते हैं। और आपको कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। और सर, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, हमारे चैनल पे अब नए नए कंटेंट, नए नए इन्फॉर्मेशन अब वीकली ही आती रहेंगी। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो, कोई भी सजेशन आपको हमें देना हो, आप कमेंट बॉक्स पे जाके भी बता सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे भी आप DM कर सकते हैं, साइट में वो बना रहा होगा लिंक, आप उस पर भी जाके आप DM कर सकते हैं। आपसे ही कनेक्ट होना चाहते हैं सर आप, अगर आप अच्छे से हमें क्वेश्चन आंसर करेंगे तो हम आपको और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकेंगे, आपके ही क्वेश्चंस की हम आंसर देना चाहते हैं, यही हमारा मोटिव है और यही हमारा मोटिव है। अगर इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिस जिसको ये इन्फॉर्मेशन जाननी चाहिए उनको शेयर करें सर इस वीडियो के थ्रू, और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स पे जाके लिख सकते हैं। थैंक यू।